भारत को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े कर देने चाहिए। बलूचिस्तान में जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको पूरी मदद देनी चाहिए, सब तरह से, आर्थिक तौर पर भी, हथियारों के तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि 50 साल तक वो उठने की हिम्मत न कर पाए, ऐसी उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए, तो ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकेंगी और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत, हमारे शहीदों की शहादत के सपनों का भारत बन पाएगा। अन्यथा इन आज़ादी के 70 सालों में हमने 50,000 से ज़्यादा नागरिकों की जानें गंवाई हैं, उसमें सेना, अर्धसैनिक बलों और देश का आम नागरिक आते हैं। रोज़ रोज़ के मरने से अच्छा है एक बार आर पार की जंग हो जाए और बिना इस युद्ध के, बिना इस बड़ी पहल के, पाकिस्तान की नापाक हरकतें बंद होने वाली नहीं है। और सारे राजनीतिक दलों को इस मामले में एकजुट रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई ओछी राजनीति, खास करके पाकिस्तान के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता के इस इशू पर सारे राजनीतिक दल एक दिखें, तभी हम भारत का जो आत्मरक्षा का अधिकार है, भारत की जो पूरी दुनिया में साख है, उसको बचा पाएंगे। इमरान खान क्या वहाँ दुर्भाग्य से पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र पनप ही नहीं पाया, वो तो सेना की और आतंकवादियों की कठपुतली हैं इमरान खान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो, इसलिए इमरान खान की कोई बात वजूद ही नहीं रखती।